हेलो एवरीवन, मैं शेख महमूद हाईटेक टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं खास रिपोर्ट। पहले ज़माने में चोर चोरी करने के लिए रात का इंतज़ार करते थे। बदलते ज़माने के साथ चोरी करने का तरीका भी बदल चुका है। जी हां, हम बात करें साइबर क्राइम की। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं, आपको एक मैसेज आता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, आप वो पार्ट टाइम जॉब की लालच में ना जाएं, क्योंकि आप थोड़े से पैसे कमाने की चक्कर में आप बहुत सारे पैसे अपने आप के गंवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया पेश आया हमारे मोहम्मद आबिद अली साहब के साथ। क्या है तफसील, आप उनके मुंह से खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली है, मैं टोली चौकी में रहता हूँ। मैं जो है साइबर क्राइम का जो है शिकार हो चुका हूँ। मेरे को एक 6 अक्टूबर को व्हाट्सएप पे मैसेज आया पार्ट टाइम बिजनेस बोल के। वो जो है उसके बाद वो लोग एक लिंक भेजे अगर मैं राज़ी हो गया तो। उसके बाद जो है आपको टेलीग्राम पे जो है सब्सक्राइब करना पड़ता यूट्यूब चैनल्स को। पर सब्सक्रिप्शन आपको 50 रुपीज़ मिलते हैं, और जो है आप वैसी सब्सक्राइब करने के बाद जो है वो लोग जो है ज़्यादा अमाउंट जो है आपको इन्वेस्ट करो बोल के बोलते, जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट आए। तो फर्स्ट लोग जो है 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करो बोलते। 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद फिर जो है उसको आप निकालने के लिए फिर 5000 रुपीज़ देना पड़ता, 5000 इन्वेस्ट करना पड़ता। फिर आगे और 30000 डालो बोलते। उसके बाद 30000 को फिर से वो करने के लिए 90000 डाल। ऐसे ही होते होते जो है ना 5 लाख रुपीज़ तक मैं वो इन्वेस्ट किया। मगर जब आपके पास अमाउंट ड्रेन हो जाता है या आप जो है इसका शिकार हो गए समझते, फिर फर्दर 5 लाख को निकालने के लिए 6 लाख इन्वेस्ट करो बोलते, तो आप जो है यानी जब समझ जाते या आपके पास पैसे नहीं ड्रेन हो जाते तो जो है आप उसको जो है नहीं निकाल सकते हो पैसे। तो मैं ऑलरेडी इसका शिकार हो चुका हूँ, और आप लोगों से ये गुजारिश है कि कुछ भी जो है ना लिंक्स या व्हाट्सएप पे जो भी मैसेजेस आए या लोन्स वगैरह का आए तो आप जो है इस पे तवज्जो ना दें। मैं जो है इसकी कार्रवाई शुरू कर चुका हूँ, और ये जो है मेरा स्टेटमेंट है जो मैं इन्वेस्ट था, और जो है अभी तक इतना मेरा पैसा जा चुका है उनके पास से। मैं इसके लिए कार्रवाई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे इसकी जो भी कार्रवाई होंगी आपको जो है ना फिर से आगाह करूँगा। तो ये थे हमारे आबिद अली। तो आपने इनको सुना कि किस तरह इनके साथ स्कैम हो चुका है। तो आप भी ऐसी गलती ना करें। आपको भी अगर कोई मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, मैसेंजर पे, तो वो मैसेजेस को आप सब अवॉइड करिए, ऐसे लिंक्स ओपन ना करें, ताकि आप सेफ रहे, आपकी फैमिली सेफ रहे। ये वीडियो आपकी फैमिली तक, आप तक, आपके दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर कीजिए। तो आपने देखा हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। और भी साइबर क्राइम में बहुत सारे स्कैम हो सकते हैं, जैसे पार्ट टाइम जॉब, बैंक अकाउंट हैक करना, ब्लैकमेलिंग करना, बहुत सारे स्कैम हो चुके हैं। और ऐसे कई स्कैम स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर मुलाकात होगी। देखते रहिए हाईटेक टीवी, ब्यूरो रिपोर्ट।